नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैं बोली थी कि इसमें बहुत सारा कली आ गया है और मैं जब ये फूल खिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए, इसमें कितने सारे फूल खिल चुके हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये वाइट कलर का फ्लावर है, इसमें बहुत ही अच्छा सुगंध आता है। ये बहुत ही प्यारा फूल लगता है और देखिए, आप लोग भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप लोगों के घर में भी ये फूल होगा। और देखिए, मैं इसे आप लोगों को दिखाने के लिए शूट कर रही हूँ। और ये देखिए, सदाबहार का फूल है। ये भी बहुत सारा फूल आज खिला हुआ है। मैं फूल देखती हूँ तो बहुत ही मेरा मन खुश हो जाता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को भी दिखाऊँ। कितना प्यारा सुंदर दृश्य लग रहा है, देखिए आप लोग भी इसे और एंजॉय करिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को ये वीडियो। और आज मैं जा रही हूँ सुबह का मॉर्निंग का पूजा करने के लिए, और उसके बाद मैं भी बनाऊंगी पिट्ठा। आप लोग पिट्ठा का नाम सुने होंगे, ये बिहार का स्पेशल फूड है पिट्ठा। बिहारी लोग ज़रूर बनाते हैं पिट्ठा और खाते हैं। आप लोग को भी आज मैं दिखाऊंगी कि पिट्ठा कैसे बनता है। और देखिए, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज मैं पूजा कर रही थी, वो थोड़ा सा मैं क्लिप शूट की हूँ, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैं कान्हा जी का स्नान करवा चुकी हूँ, सभी देवी देवता का स्नान हो चुका है और पूजा की तैयारी मैं कर ली हूँ और सभी का वस्त्र चेंज कर रही हूँ। ये देखिए, मैं सभी को पोछ रही हूँ, अच्छी तरह से सभी को पोछ कर इनको मैं वस्त्र धारण करवाऊँगी। मेरे कान्हा जी स्नान कर चुके हैं और इनको मैं अच्छी तरह से पोछ रही हूँ और इनको मैं वस्त्र धारण करवाऊँगी। आज मैं इनको ऑरेंज कलर का पोशाक पहना रही हूँ और आज गर्मी बहुत है, इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनी हूँ, क्योंकि साड़ी में बहुत ही गर्मी लगती है। इसलिए मैं सोची कि आज इसी तरह पहनकर बनाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप भी निकल रहा है आजकल, और इसीलिए ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि साड़ी वगैरह पहनने के बाद ही वीडियो शूट करती हूँ। इसलिए मैं अभी नहीं बना रही हूँ, अभी हल्का कपड़ा धारण कर रही हूँ, सॉरी, पहनती हूँ। देखिए, मेरा पूजा हो चुका है, मैं आरती लगा रही हूँ, सभी का आरती मैं कर रही हूँ। और उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, देखिए ये पिट्ठा की तैयारी कर रही हूँ। पानी को पहले बढ़िया से खौला दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, और उसके बाद उसमें चावल का जो आटा होता है उसे डालकर अच्छी तरह से मिलाकर उसे सुखा कर उतारा जाता है। देखिए, इस तरह से खोलता हुआ पानी में मैं चावल के आटे को डाल दी हूँ और डालकर इसे अच्छी तरह से मिला रही हूँ। और इधर देखिए, मैं ये देखिए बादाम भून रही थी। ये बादाम और गुड़ मिक्स किया जाता है, जब बादाम भून जाता है और इसे ठंडा करने के बाद इसका छिलका उतार कर इसे हल्का मिक्सी में मोटा पीस कर उसे मीठा में मिलाया जाता है। ये देखिए गुड़ है, इसे मेही करके गुड़ को मतलब तोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसमें बादाम मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए, आटा को मैं कर दी हूँ और ये दो भाग में रख दी हूँ। ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसे अच्छी तरह से गूँथ लेना है। और ये देखिए, दाल भी मैं भून कर रखी हूँ, ये चना दाल है, इसे अच्छी तरह से जैसे दलपूड़ी का होता है वैसे भून कर रखी हूँ। और ये देखिए, ये बनाई हूँ मैं, आलू मैश करके रखी हूँ और इसमें प्याज और हरी मिर्च डालकर इसे फ्राई करूँगी। ये आलू भून रही हूँ, जैसे आलू पराठा की आलू बनाए जाते हैं उस तरह से
इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड कर दूंगी और उसके बाद मैं आलू डालकर भून लूंगी और इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद सारा तैयारी करके रख लूंगी। उसके बाद आटा को गूंथ कर उसमें छोटे छोटे लोई करके मैं उसमें डालूंगी। इसमें देखिए हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ और इसे हल्का भून कर इसमें आलू को डाल दूंगी। ये जो पीठा बनता है इसमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, इसलिए बहुत सारा ज़्यादा मैं इस वीडियो में नहीं डाल रही हूँ, हल्का वगैरह थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ देखिए मैं गुड़ और बादाम जो भुनी थी उसे मिक्स करके रख ली हूँ और यहाँ देखिए आलू ये आटे की लोइयाँ बनाकर छोटे छोटे उसमें भरा जाएगा। ये देखिए इस तरह से भरा जा रहा है। इस तरह से भरकर सारा लोई को रख दिया जाता है गोल गोल करके। देखिए बनाकर मैं रख रही हूँ सारे को, मैं बनाकर इस तरह से रख लूँगी और यहाँ पानी को रख दी हूँ खोलने के लिए, जब उबल जाएगा तो उसमें मैं डालूँगी। ये देखिए इस तरह से खोल जाए पानी तो उसमें डाल दिया जाता है और इसे ढककर थोड़ा देर तक उबाला जाता है। उसके बाद ये जब हो जाता है तो निकाल लिया जाता है। देखिए इसे यहाँ पर देखिए मैं अलग से कान्हा जी के लिए भोग के लिए बना रही हूँ और ये देखिए ये हो चुका है। थोड़ा देर तक होने के बाद इसे निकाल लूँगी। ये देखिए निकाल रही हूँ। ये देखिए मैं भोग लगा रही थी कान्हा जी को, उनके लिए अलग से बनाकर मैं भोग लगा दी और देखिए भोग लग चुका है और कान्हा जी के पास थोड़ा देर मैं रहने दूंगी, उसके बाद उठा लूँगी। और देखिए सारे और भी जो है जो दाल बनाकर रखी थी वो वाला मैं भर रही हूँ। इस तरह भर कर सारा तैयारी हो रहा है। और मैं मीठा वाला सारा भर चुकी हूँ और जो गुड़ आलू का जो चोखा बनाई थी वो भी भर दी हूँ और ये दाल वाला भी भर चुका है और धीरे धीरे सभी को उबाला जाएगा पानी में। और देखिए यहाँ पर ये उबल चुका है, मैं दाल जो ये चोखा वाला है वो उबाल कर मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह से सारा बन चुका है, देखिए बन गया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।